मक्की मेथी के ढोकले की रेसिपी आज हम लेके आए हैं आपके लिए। तो स्टार्ट करें आंटी रेसिपी। हाँ, ये मक्की का आटा है एक बाउल। मक्की का आटा या मेज फ्लावर या फिर कॉर्न, मक्की जो होते हैं कॉर्न के दाने, उनका आटा हम यहाँ पे ले रहे इसमें हैं। नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा सा मीठा सोडा आधा चम्मच, है अच्छा। ना। अब इसमें मेथी मिक्स करेंगे, धोई हुई है ये, अच्छे से तो धोई होनी बारीक चाहिए। काटी हुई है थोड़ी, और ये धोई हुई है अच्छे से, इसको मिक्स करेंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं अनीता शर्मा जी के घर पे, जो हमें दिखा रही हैं मक्की मेथी के ढोकले। ये हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लाइट डिनर के हिसाब से भी खा सकते हैं, लंच राइट, डिनर किसी में भी खाइए आप, किसी में भी खाइए। खाइए, बहुत बहुत अच्छे आसान लगते रेसिपी हैं। है और आपके यहाँ तो हमेशा ही बहुत बार बनती है, राइट, ये वाली। बहुत सर्दियों में तो ये मोस्टली बनती रहती है। हाँ, और अच्छी भी है। मेथी भी बहुत हेल्दी होती है, ग्रीन वेजिटेबल है और आसान भी है पानी बनाना। डाल के थोड़ा भून देंगे। तो देखिए, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं। गारंटी आपकी किचन में भी ये रेसिपी ऐसी ही बनेगी जैसे यहाँ पे दिख रही है। तो देखिए, पानी डाल के अब यहाँ पे हम हल्का सा गूंद रहे हैं, राइट। जैसे जैसे पानी जरूरत पड़े डालते जाइए आप। इसको बहुत अच्छे से मथना पड़ता है, वो क्यों करना होता है? इससे ये बाइंड अच्छे हो जाएंगे। जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा बाइंड होएंगे। तो देखिए, यहाँ पे बस हमारा लगने वाला है। और यहाँ पे हमने देखिए एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने पानी भी गर्म होने के लिए 1 लोटा पानी डाला है, यानी कि नॉर्मली 1.5 ग्लास, और उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है क्योंकि इनको हम स्टीम करके बनाएंगे। तो देखिए, अब ये हमें बस थोड़ा सा गूथना होता है कि ये थोड़ा सा अच्छा सा मत लो ताकि बाइंड अच्छा से होकर रह जाए। अब इसके लोई बनाएंगे अपन, थोड़ा सा दबा दबा के, बीच में उंगली, बीच में इसमें हम होल कर देंगे। हाँ उंगली से होल कर दीजिए ताकि ये लगे कि ढोकला बना है। ये देखिए, ओके। तो देखिए, अब यहाँ पे हम और बनाएंगे, अभी एक और हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, और बना रहे हैं हम यहाँ पे। साइज आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये तेल है, तेल को चारों तरफ इसे लगा के, इससे क्या होता है? इसमें ये चिपकेंगे नहीं, अपन जिस पे अच्छा। करेंगे ना वो चिपकेंगे नहीं। इसे तेल लगा के आप इस जाली पे रख दीजिए। देखिए, अब हम यहाँ पे इसके ऐसे बना लेंगे और ढोकले, और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे ढोकले बन चुके हैं सारे के सारे। तो अब हमने यहाँ पे पानी भी हमारा बॉईल हो चुका है, और ये देखिए स्टीमर की प्लेट होती है। ये जाली हाँ जाली टाइप होती है हाँ जो कि नॉर्मली सबके घरों में मिल जाती है, अपन दूध पे रखते हैं या हाँ सब रखते हाँ हैं। कढ़ाई में पानी लीजिए, जाली के नाप का एक बर्तन ले लीजिए नीचे, उसमें पानी डाल दे, इसको ऐसे रख के। अब तो ये देखिए स्टील की जाली है, यहाँ पे होल्स हो रखे हैं ताकि स्टीम निकल जाए। उस पे हमने ये ढोकले तेल लगा के रख दिए हैं। इसको ऐसे बिल्कुल ढक देना है, इसमें से पानी हवा नहीं निकलनी चाहिए बाहर। अच्छा, तो इसमें, अरे एक और क्वेश्चन था, इसको खाते किससे हैं मक्की? जोधपुर में तो ज्यादातर मूली पालक की सब्जी से खाई जाती है, बाकी हाँ वैसे लोग दाल से खाते हैं, हाँ कुछ लोग कढ़ी से भी खाते हैं। जैसे इच्छा अच्छा वैसे खा लो आप, ये अच्छा ऐसे अपने आप में मसालेदार है। घी डाल, हाँ इसमें ऊपर से घी डाल के खाई जाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, अभी हम कितनी देर को इसको सिकने के लिए रखेंगे? इसमें करीब 15-20 मिनट तो लगेंगे, 15-20 मिनट। और कौन सी फ्लेम पे? हाई फ्लेम है। हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट अभी हम इसको सिकने देंगे, पांच फिर हम, पांच मिनट फिर सेम फ्लेम पे भी रखेंगे उसके बाद। अच्छा, तो अभी हम आपको दिखाते हैं हाई फ्लेम के बाद जब हम स्लो फ्लेम पे जाएंगे। ये 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको स्लो गैस पे कर देंगे। स्लो फ्लेम पे अभी हम इनको 5 मिनट और सेकेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं मक्की के ढोकले। सो देखिए, 5 मिनट हमने स्लो फ्लेम पे रखा है, तो बन चुके हैं हमारे। हाँ, इसको आप ऐसे चेक कर लीजिए, चाकू में चिपकता नहीं है तो ये बन गए, मतलब अच्छा।
तो ये टेस्ट है, तो आप चाकू से इसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा लग रहा है, 5 मिनट और लगेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी हम इसको और स्टीम होने देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, अब हम वापस से चेक करते हैं 5 मिनट बाद कि हमारे ढोकले बन चुके हैं, मक्की मेथी के ढोकले बिल्कुल बन गए। अब तो देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा ना, ये बन गए। तो ये टेस्ट आपको करना है, तो अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसको आप कट कर लो। देखिए यहाँ पे, और फिर हम कैसे खाएंगे इसका? आप खूब सारा घी डाल के इसके अंदर। ओ देखिए घी से, और वहां पे इसको आप किन किन सब्जियों से खा सकते हैं? ये मूली पालक की सब्जी से खाई जाती है। हाँ हाँ, दाल से, कढ़ी से, जैसी इच्छा हो खाइए आप। हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए एकदम शानदार आपके ढोकले, मक्की मेथी के ढोकले। ये ट्रेडिशनल राजस्थानी रेसिपी है, और मूली हाथ से मसल मसल के खाइए, हाथ से मसल मसल के। अच्छा, तो ये देखिए हाथ से मसल मसल के खाइए। आंटी के घर में तो बहुत बनती है मूली, मिर्ची की सब्जी है, मूली पालक, दाल, कढ़ी, जिससे आपका मन करे वो खाइए। सो बन चुके हैं, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में। अब बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच टू द वंडरफुल मॉम है फॉर शोइंग अस अनदर वंडरफुल रेसिपी है। अब देखिए खाना हो गया बनाना आसान, सब मॉम्स की वजह से जो है हमारी सुपर शेफ, तो शानदार रेसिपीज आपको दिखाती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। माँ के प्यार के तड़के के संग ये रेसिपी रेडी है। बाय बाय एवरीवन।